ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने टॉप पे रेफरेंस लगाया था क्या, एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, अभी हम लोगों ने यहाँ पे सेट करना था, यहाँ पे राइट क्लिक करके इमेज साइज, ठीक है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, मैं ऐसे मिलीमीटर कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, विड्थ को कॉपी किया, मैक्स में गए, यहाँ पे क्या कहते हैं प्लेन जो लिया, प्लेन में सेगमेंट नहीं रखेंगे, लाइन पर सेगमेंट, ठीक है, वेट को मैंने कंट्रोल वी कर दिया, एंटर, ठीक है, और देन यहाँ पे करते हैं हाइट, कंट्रोल सी, यहाँ पे कर दिया कंट्रोल वी एंटर, ठीक है, यहाँ सेट कर दिया मैंने, यहाँ पे प्रेस करते हैं एम, यहाँ पे असाइन कर दिया, नाम दिया टॉप, ठीक है, देन यहाँ पे मैंने क्या किया एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सेट किया, मैं यहाँ पे इसको मैं ऐसे लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे मैं अरेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक ऐसे 0 0 कर देंगे, अपने आप सेंटर पे आ जाते हैं यहाँ पे, बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको थोड़ा सा अरेंज करना है, मैं बस अपने मॉडल को, भाई मेरे पास मॉडल कैसा है और किस टाइप का है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक है, ये पार्ट आपका यहाँ पे गया, ये पार्ट आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे, कि हमें अगर कोई भी चीज़ बनाना है तो कैसे बना सकते हैं यहाँ पे। अभी जैसे मैंने कहा एक नॉर्मल हैंड बनाना है, नॉर्मल हैंड बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं सिलेंडर, इस मिडिल फिंगर वाला आप ये लेना, ठीक है, देन आप इसे देना रोटेशन, ठीक है, रोटेशन दिया हमने 90 पे एंगल रख रखा है यहाँ पे, इसलिए प्रॉपर रोटेशन में आ गया यहाँ पे, साइड से 18 18 को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं 8 ही रखना है, ठीक है, बहुत डिटेल करना तो 10 रखना, ठीक है, यहाँ पे हाइट सेगमेंट से हाइट सेगमेंट को क्या रखना है 2 रखना या 3 रख दो, ठीक है, ओके, हाइट बढ़ा देते हैं हम लोग यहाँ पे, ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सेट किया, यहाँ पे रेडियस को मैं कम कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप रेडियस को कम करने से मुझे एक आइडिया मिल जाएगा, अच्छा मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट है, हाइट मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, परस्पेक्टिव में चलते हैं, फ्रंट में चलते हैं यहाँ पे, ये मेरा फिंगर है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा इसको अरेंज कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये सेट किया परस्पेक्टिव जेड, ठीक है, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, अब यहाँ पे कैप्स देना चाहो कैप सेगमेंट दे सकते हो, एक कैप सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक कन्वर्ट टू पॉली, ठीक है, एजेस को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, लूप कर दिया यहाँ पे, अभी क्या है लाइक मुझे यहाँ पे इस लूप की जरूरत है, तो मैंने कंट्रोल लाइन रिमूव कर दिया यहाँ पे, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना अपने वर्टेक्स छूटे तो नहीं है ना, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं इसे आगे तरफ कर देते हैं यहाँ पे, ये पार्ट हमें यहाँ पे करना, तो ये पार्ट ये भी ध्यान दें कि अपोजिट ना हो, यहाँ पे देखो दिख रहा है यहाँ पे, तो हमें दोनों तरफ से लेके चलना है यहाँ पे, एजिस पे गए, ये एजिस को सेलेक्ट किया, लूप कंट्रोल एंड रिमूव, ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ट्रायंगल नहीं रखना होता है, तो यहाँ पे हम चूहे को थोड़ा सा सेलेक्ट किया एंड कंट्रोल एंड रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वाड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे यहाँ पे, तो अभी ये देखो ये राउंड सा आपका दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अभी मुझे फिंगर बनाना है, फिंगर बनाने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ग्लव्स टाइप का फिंगर है, ठीक है, लाइक ग्लव्स ऊपर है फिंगर अंदर, तो हम लोग थोड़ा सा बेसिक शेप अपना फिंगर के ही रखने वाले, वैसे ज़्यादा डिटेल नहीं होता उसमें ग्लव्स में, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं आइडिया देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, एजेस को सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, एजेस 1 2 लूप कर दिया, राइट क्लिक एंड क्या किया सैम्फर, ठीक है, ऐसा कुछ करके हम लोग सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, सैम्फर मैंने यहाँ पे किया 1 by 1 करके आ गया यहाँ पे, अभी लेफ्ट में गए फ्रंट में गए, यहाँ चेक करो, जो मेरे जो फिंगर होती है फिंगर के अंदर क्या होता है, ये पार्ट तो अंदर की तरफ होता है, अगर आप ध्यान से देखो हल्का सा अंदर की तरफ, ठीक है, ये पार्ट अभी ग्लव से तो ग्लव में ज़्यादा चीज़ नहीं दिख रहा है मैंने यहाँ पे, थोड़ा सा नॉर्मली है मतलब स्मूथनेस जैसा यहाँ पे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा बेसिक इम्पैक्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ हल्का सा, ये ऊपर कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या ऑल्ट आर कनेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, एक सेगमेंट यहाँ पे, एक एक सेगमेंट बीच में, इसका यूज भी क्या है दिखाते हैं मैं, ठीक है, यहाँ पर 1 प्रेस किया, अब यहाँ पे इसको हल्का सा नीचे कर दें, यहाँ पे कंट्रोल प्रेस किया हल्का सा नीचे कर देना यहाँ पे,
तो बेसिक शेप आपके यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे हल्का सा ये प्रेस कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक शेप आपको देखना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई शेप आपका थोड़ा सा फिंगर जैसा लुक एंड फील देना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आपको फिंगर बनाना है तो उसमें नेल्स भी बनाने पड़ेंगे, मेरे पास ग्लव्स है, ठीक है। तो एक आइडिया दे देता हूँ आपको मैं यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा आइडिया, मतलब क्या है कि मैं अभी यहाँ पे कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। नेल्स बनाने के एक आइडिया देता हूँ, अगर आपको देखना है तो नेल्स कैसे बनता है, ताकि मैं उसे बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकूँ। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, राइट क्लिक इंसर्ट एज लुक टूल, ठीक है। अब इंसर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ओके। मतलब कोई कंट्रोल में है तो बहुत अच्छी बात है। रोटेशन दो, रोटेशन में एंगल ऑफ कर देना यहाँ पे, ये हल्का सा रोटेशन दे देना यहाँ पे, ठीक है। अभी क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नर्व स्ट्रोगल बोल देंगे यहाँ पे, नर्व स्ट्रोगल। ये देखो राउंडनेस देखने लगेगा क्या यहाँ पे, देखना यहाँ पे राइट क्लिक नर्व स्ट्रोगल, ठीक है। एजिस दे सकते हो आप यहाँ पे, ऑल्ट आर राइट क्लिक एंड कनेक्ट, कनेक्ट किया यहाँ पे। अभी जो मसल्स का जो लुक एंड फील होता है ना, जिस नेल्स है नेल्स के ऊपर आप यहाँ पे मसल देखता है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या राइट क्लिक किया, नाउ स्ट्रगल किया यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिएगा आपको भाई शेप में बस क्या है, सी सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट मैंने हल्का सा ऊपर कर दिया, तो ये ऊपर की तरफ देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं नीचे कहूँ तो नीचे की तरफ देखिएगा, ये लाइन दिखे यहाँ पे। तो ऐसे करके हम लोग डील कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने हल्का सा ऊपर उठा दिया यहाँ पे, ठीक है। अप हो गया यहाँ पे, राइट क्लिक नाउ स्ट्रगल, देन पॉलीगन में यहाँ पे क्या किया, इसको इसको सेलेक्ट करके, अगर लगता है आपको नेल्स आपको बनाना है, ठीक है, मेल का फीमेल का, ऐसे बहुत बड़ा करना है तो बहुत बड़े के अकॉर्डिंग हल्का थोड़ा सा लेफ्ट जेड फ्रंट जेड, ये हम लोग यहाँ पे ऐसे मैनेज कर देंगे, ठीक है। काइंड ऑफ टॉप पे गए एंड जेड, आपको उसमें है नहीं लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया दिया कि भाई देख लो ऐसा कुछ बनाना तो बना सकते हैं आप, ठीक है। तो ऐसे करके भी हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं, टॉप लेवल बाहर निकल गए, राइट क्लिक एंड नाउ स्टोवल। तो देखो ये आपका बेसिक फिंगर का लुक एंड फील दे देगा यहाँ पे। एम प्रेस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ चेक करो, जेड एफ थ्री एंड एफ फोर, यहाँ देखो इसको सेलेक्ट किया नर्व स्ट्रगल, ठीक है। ये सेट किया, देखो बेसिक लुक एंड फील दिख रहा है यहाँ पे, जॉइंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, नीचे हाथ का पार्ट दिख रहा है भाई, ऐसा कुछ लुक एंड फील दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ये होता है कि आपको जो क्या अपने ग्लव्स है ना, ये इतनी डिटेलिंग नहीं होती यहाँ पे ना, ये आपको इतनी डिटेलिंग नहीं होती। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक अनहाइड ऑल, टी फॉर टॉप एंड जेड, यहाँ देखो ग्लव्स है। अभी मैंने यहाँ पे सिलेंडर से बनाने का बेनिफिट क्या हुआ, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिंपल सा पार्ट शिफ्ट एंड कॉपी, ठीक है। कॉपी किया, आर फोर स्केल हल्का सा छोटा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पे भी कर सकते हो शिफ्ट एंड यहाँ पे, ठीक है, हल्का सा आप पीछे भी करना है यहाँ पे पीछे, और देन आर फोर स्केल, ये बस समझो। तो एक ही चीज़ से मेरे पास यहाँ पे सब चीज़ें बन जाएंगी यहाँ पे, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। आर फोर स्केल ये देखो यहाँ पे, तो ये पार्ट आपका यहाँ पर जाता है। अभी अगर वो हम लोग फ्रंट चेक करें, एफ फॉर फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे आ गए, तो यहाँ पे देखो सब कुछ इक्वल नहीं होता। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये जो पार्ट होता है ना कर्व, जो सेंटर फिंगर होता है वो ऊपर होता है, ठीक है। ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। आप अपने उंगलियों को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये भी पार्ट आपका थोड़ा सा हल्का सा नीचे होगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग ये भी पार्ट आपका हल्का सा नीचे होता है यहाँ पे। तो ये बेसिक एक सेटअप होता है कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी काम करूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी जैसे मेरे यहाँ पे थंब है, थंब का हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा पार्ट, आपको इन चीज़ को थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा भाई, कि मैं अगर यहाँ पे काम करता हूँ तो मुझे कैसे डील करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल सा पार्ट बॉक्स ले लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे लिया बॉक्स, ठीक है। इस बॉक्स के थ्रू यहाँ पे जेड फॉर जूम, जिसे मैंने आपको बताया कि ट्रांसपेरेंट वाले मैंने एक मटेरियल बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे करते हैं यहाँ पे, तो ये मैंने यहाँ पे असाइन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे सेट किया, यहाँ सेट करने के बाद टॉप से ही हो गया, फ्रंट से ही हो गया। अभी इसमें क्या सेगमेंट्स लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मैं बस लेंथ, ठीक है, विड्थ कर दें, ठीक है। ये मैंने हाइट किया यहाँ पे, ये जो पार्ट में बस यहाँ पे, ये भी शेप में बस कुछ ऐसा आएगा क्या, इस टाइप से,
ठीक है, सिंपल ही चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे एक आर्क होता है, आर्क समझा दो आपको यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लेंथ में एक सेगमेंट यहाँ पे दिया, ठीक है, ऐसा कुछ कर गया, ठीक है। फिंगर कितनी है देखो, 1 2 3 4 ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। विड्थ में हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसा कुछ पार्ट। अभी ये जो पार्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा ऑल्ट क्यों कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब फिर मैं इसको यहाँ पे शेप देना स्टार्ट कर दूंगा यहाँ पे, कि शेप कैसे देते हैं और कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे बटन नवास यहाँ पे, ठीक है, हम लोग ऐसे करके मैनेज कर लेंगे। जिसमें से आप फिंगर है ना, फिंगर के शेप्स देख रहे हो आपके यहाँ पे, ये जो पार्ट है, ये जो कर्व में जाते हैं सब, सिंपल एक कर्व होता है, ऐसे करके कर्व जा रहा होता है। तो इस शेप्स को भी मैं यहाँ पे तो ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा यहाँ पे। राइट क्लिक, कन्वर्ट टू पॉली, गए हम लोग यहाँ पे, देन वन प्रेस किया मैंने यहाँ पे, शेप्स वाइज मैं यहाँ पे तो सर मैं मैनेज करके यहाँ रखूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मैंने ऐसा कुछ किया यहाँ पे, और ये पार्ट कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो ये शेप मुझे इसके अकॉर्डिंग मैनेज करता निकल जाएगा कि भाई कैसे मैं क्या काम करना, किस टाइप से काम करना देता है यहाँ पे। ये पार्ट मुझे यहाँ पे ये डिफाइन कर दूंगा, भाई इतने पार्ट में ये जोड़ना है, इतने पार्ट में बस ये जोड़ना है, ठीक है। ये शेप मैं बस इसके अकॉर्डिंग में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है।